तो सिद्धार्थ एंड शनास मुंबई एयरपोर्ट में स्पॉट किए गए थे, और एक्चुअल में फैंस को बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं था कि सिद्धार्थ शुक्ला इतना कुछ बोल जाएंगे, क्योंकि वो चीज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा अभी तक ट्रेंड हो रही है। जी हाँ, वही सब मैं आपको सोशल मीडिया की बात यहाँ पर पूरी शेयर कर रहा हूँ। सिद्धार्थ एंड शनास मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूदगी हमारे को उनकी नजर आई, और ऐसे में पांडे आ गया। अरे भैया, शुक्ला जी का वही सब, अरे पांडे आ गया भाई, वो बचो बचो, पांडे आ गया पांडे। तो वो सब सिद्धार्थ शुक्ला फिलहाल ज्यादा ही बचते हुए नजर आते हैं, मगर कहाँ बच के भागेंगे भाई, पांडे जी हैं इतने स्ट्रांग, हर जगह उनको कैप्चर कर लेते हैं, और फैंस को इस वजह से प्यार भी आता है यार इन सारे मोमेंट्स के ऊपर। अगर पांडे ना मौजूद हो तो भाई हम तो शनास को देखने के लिए तरस जाएं। ऐसे में पांडे बहुत कैप्चर करता, तो वहां पर यह बात कही गई थी, पांडे ने जो अपनी तरफ से बात कही थी, यार शुक्ला जी यार हाथ पकड़ो ना, तो एक चीज तो वहां पर नोटिस कर देने वाली बात थी, वो ये थी कि सिद्धार्थ प्राइवेट है, शनास थोड़ी। मगर शनास प्राइवेट हो गए, सिद्धार्थ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ के मुंह से हमें जवाब सुनना था कि मैं हाथ नहीं पकड़ रहा, मगर वहां पर शनाज ने जवाब दिया कि नहीं, हाथ पकड़ना जरूरी है क्या? सिद्धार्थ ने कहा था यार हम दोनों साथ तो हैं, सिद्धार्थ ने ये भी कहा था। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो नोटिस करने वाली थी, तो वहां पर हाथ पकड़ने की बात आई थी, एक दोनों साथ चलो, तो सिद्धार्थ ने कहा था दोनों साथ तो हैं, तो यहां पर आप समझ जाओ इनडायरेक्टली। और दूसरी सबसे बड़ी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने कह दिया गोद में उठा लूंगा तुझे भी साथ में, गोद में उठा लूं क्या तुझे भी साथ में, तो वो सब सिद्धार्थ शुक्ला कहते हुए नजर आए। मतलब सिद्धार्थ शुक्ला के दिल में कहीं ना कहीं तो ऐसी बात होगी कि चलो भाई गोद में, जब इतने सारे मोमेंट दिखा दिए लस्सी वस्सी पी पिलाकर, एक मोमेंट यहां पर भी दिखा दिया जाए गोगल लगाकर मास्क लगाकर, चलो जी उठा लो शनास को। और अगर मैं सच बता रहा हूं, अगर ऐसा हो जाता तो भाई डेफिनेटली क्या होता, सोशल मीडिया पर कुछ समझ में नहीं आता, सारे ही फैंस के बीच में अजीब सा तहलका सा मच जाता। तो फिलहाल ये सिद्धार्थ शुक्ला की कुछ ऐसी बातें जो है वो नोटिस कर देने वाली बात थी, और जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा इधर उधर घूम रही थी, और मैंने आपसे यहां पर शेयर कर दी। हालांकि मैंने वीडियो के दौरान ही नोटिस कर लिया था, और वहां पर मैंने कैप्शन भी लगाया था ना, वहां पर कैप्शन ये था कि गोद में उठा लूं क्या, तो वो वाला सीन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, मजा आ गया। फिलहाल शनास की जर्नी बहुत जबरदस्त रही, और रात में एक वीडियो अपलोड करूंगा जो कि पूरी ही जर्नी होगी, पंजाब की भी और साथ में मुंबई की भी, सारी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा एक साथ एडिटिंग करके अच्छे से, और कोशिश करूंगा कि बढ़िया सी एडिटिंग हो। फिलहाल उसके लिए वेट करिए आने वाली वीडियोस का। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आने वाली पल पल की अपडेट्स आपसे मिस ना हो सके।